दो सरकारी बीमा कंपनियां शेयर बाजार में आएंगी। कुल 14 सरकारी कंपनियां शेयर बाजार में आएंगी। सरकारी कंपनियों के शेयरों को बेचकर 2018-19 में 80,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। सैलरीड क्लास को लगा झटका, इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली। इनकम टैक्स में न्यूनतम छूट की सीमा में कोई बदलाव नहीं। इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत मिलेगी 40,000 रुपए की छूट। जितनी सैलरी है उसमें 40,000 रुपए घटकर टैक्स लगाया जाएगा। टैक्स देने वालों की संख्या में 19.25 लाख का हुआ इजाफा। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 12.6% की बढ़ोतरी हुई। 99% लघु एवं सीमांत उद्योगों को 25% टैक्स ही देना होगा। उद्योग जगत को बड़ी राहत। 250 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनियों पर लगेगा 25% कॉर्पोरेट टैक्स। वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स की छूट बढ़कर 50,000 रुपए हुई। काले धन के खिलाफ मुहिम में टैक्स कलेक्शन में हुआ 90,000 करोड़ रुपए का इजाफा। डिपॉजिट पर मिलने वाली छूट 10,000 रुपए से बढ़कर 50,000 रुपए हुई। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर अब 10% टैक्स देना होगा।